इंडस्ट्रियल के नाम से डेवलप हो रहे नगरनार गांव के मुख्य बाजार स्थल पर अवैध रूप से होटल संचालकों ने कब्जा कर लिया है। शिकायत के बाद भी कब्जाधारी कब्जे को छोड़ने को तैयार नहीं है। छोटे छोटे झोपड़ी बनाकर लोग मुख्य बाजार स्थल पर कब्जा जमा कर बैठ गए हैं। इन कब्जाधारियों के चलते साप्ताहिक बाजार में सब्जी लेकर आने वाले ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रति शुक्रवार यहां इलाके की सबसे बड़ी साप्ताहिक बाजार लगता है। कब्जाधारियों के चलते यहां बाजार दिन को छोड़कर अन्य दिनों में वाहनों की कतार देखी जाती है। स्थानीय लोग व्यवस्थित बाजार की मांग कर रहे हैं। ग्राम पंचायत नगरनार ने इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार किया है, मगर होटल संचालकों की मिलीभगत के चलते दुकानों का निर्माण नहीं किया जा रहा है। दो साल पहले एक तय जगह पर NMDC के सहयोग से दुकानें निर्माण कराने योजना तैयार किया गया था। दुकानों के बन जाने से ग्रामीण और यहां खरीदारी करने आने वालों को सुविधा होगी। ग्राम पंचायत नगरनार के सरपंच रेणु बघेल दुकान निर्माण को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने इसके आचार संहिता का हवाला देकर टाल दिया है। वहीं उपसरपंच और होटल संचालक ने माना कि बाजार स्थल में अवैध कब्जा हुआ है और दुकानें बनने पर कब्जा हटाया जाएगा। इसके लिए तो प्रस्ताव पारित हो गया है। अभी 5 तो दुकान कॉम्प्लेक्स लिए आ गया है, बाजार कॉम्प्लेक्स में अभी बनने वाला है। और जो भी है अवैध कब्जा को जैसा 5 का अभी आचार संहिता पैसा भी मेरे खाते में आने वाला है। आचार संहिता जैसा है ऐसी खत्म होगा तो हम लोग अवैध कब्जा वाले तोड़ के हम लोग बाजार कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अवैध कब्जा में अभी ज़्यादा नहीं तो 5-6 दुकान है। अभी अवैध कब्जा हुआ है बाजार चौक का जी, 5 हुए उसको दे दिए हैं। उसका अवैध कब्जा हुआ है 5 काम कर रहा है, उसको खाली करवाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश TV। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश TV, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।